कृष्णा जी ने नोट किए, दानाडे जी ने नोट किए, और किस किसने नोट किए? दशरथ बंजारा जी ने भी नोट किए, वेरी गुड। आप लोगों को चांस मिलेगा, जिन जिन लोगों ने नंबर नोट किए हैं उन लोगों को चांस मिलेगा बात करने का। चलिए दशरथ बंजारा जी अनम्यूट कीजिए। दशरथ बंजारा अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। ये मितेश पटेल जी को कॉल करना है आपको, मितेश पटेल जी को कॉल करना जी है सर। और इनसे यही बात करनी है कि आपका नंबर मैंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में से लिया है। कैसे कॉल करोगे एक बार बताऊं क्या? कॉल करके डायरेक्ट कॉल करोगे आप? नहीं आप बता दो ना सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको कॉल करता हूँ, ध्यान दीजिएगा ठीक है। आपका फॉर जी सर। एग्जाम्पल, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, किस तरीके से व्हाट्सएप लिस्ट में से कॉल करना है और अपनी लिस्ट में आपका नाम ऐड करना है, राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास में एक ग्रुप है जिसका नाम है एमएलएम ग्रुप। क्या नाम है ग्रुप का? एमएलएम ग्रुप। और मैं एमएलएम इंडिया ग्रुप में से मैंने आपका नंबर लिया दशरथ जी, ठीक है? उसमें आपको भी किसी ने ऐड कर लिया है, मुझे भी किसी ने ऐड किया है, बाकी हम दोनों लोग एमएलएम के बारे में जानते कुछ भी नहीं है। जी सर। तो चलिए देखिए मैं कॉल कैसे करूंगा आपको। जी सर। आप सिर्फ मेरे जवाब देते जाइएगा जो जो मैं आपसे पूछूं, राइट? जी सर। हेलो हेलो, हाँ कौन? हेलो। दशरथ बंजारा जी बोल रहे हैं क्या? दशरथ बंजारा जी बोल रहे हैं? हाँ दशरथ वणजारा। हाँ दशरथ जी दशरथ मुकेश वणजारा बोल, बोलूँ छू। दशरथ जी मुकेश बोल रहा हूँ, अलीगढ़ यूपी से। हाँ आपका हाँ नंबर मैंने बोलो। लिया है एमएलएम इंडिया ग्रुप से। अभी 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? हाँ। एक्चुअली दशरथ जी, ये एक एमएलएम इंडिया ग्रुप है हाँ जिसमें आप मुझे बोलो, कौन किसी ने, बात कर सकते हैं? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं हेलो, आ रही है। अच्छा तो हाँ हाँ बोलो, आ दशरथ रही है जी, आवाज। तो दशरथ जी मैंने आपका नंबर लिया है एमएलएम इंडिया ग्रुप से, क्या अभी 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? हाँ। हाँ एक्चुअली दशरथ हाँ जी, कर सकते हैं, बोलो बोलो। ओके, मुझे एक्चुअली किसी ने एमएलएम इंडिया ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है, मुझे पता नहीं है, मैं जानता भी नहीं उसके बारे में, तो मुझे किसी ने ऐड कर लिया है और आपका हाँ भी हाँ नंबर था वहां पे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये ग्रुप किसने बनाया है, किसके लिए बनाया है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? जी सर, मेरे को भी किसी ने ऐड कर दिया है, मेरे को भी पता नहीं है। ओके, तो वैसे आप कहाँ से हो? हाँ आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सुक्सर से हूँ, गुजरात से। ओके ओके ओके, तो आप क्या करते हो? जी सर मैं फ्रूट का धंधा करता हूँ। अच्छा, फलों का काम है अपना, दैट इज और आप ग्रेट। कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ, उत्तर आप कहाँ से हो? प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर उत्तर प्रदेश से प्रदेश हूँ, से बोल रहे उत्तर प्रदेश हो में आप? अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, हाँ मैं हाँ हाँ वहीं से बरोबर हूँ। बरोबर हाँ तो मैं वहीं से हूँ। बरोबर तो बरोबर। आप फलों का काम कर रहे हो, तो फलों का काम कैसे करते हो, मतलब क्या कोई दुकान वगैरह है अपनी या कैसे करते हो? बस दुकान है बाजार में। हाँ ओके, चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा क्या करते हो? फलों के अलावा भी कोई काम करते हो क्या? तो फलों के अलावा भी कुछ नहीं करते हो? दूसरा कोई काम नहीं करता हूँ, ओके, नहीं दूसरा कुछ नहीं करता हूँ, बस फल की लारी चलाता हूँ। अच्छा, फलों की गाड़ी चलाते हो आप, चलो कोई बात नहीं दशरथ हाँ बंजारा जी, कभी मेरा उधर आना होगा तो आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपको एक काम और बताऊंगा आपके फलों के साथ करने के लिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, उसका बेनिफिट ओके भी आप ले ओके सकते हो। तो चलिए अभी आप अपना नंबर सेव कर लीजिएगा, और डेली गुड मॉर्निंग आपसे होती रहेगी, बाकी कभी चांस मिलता है तो फिर मैं आपको काम की जानकारी देता हूँ, ठीक है? अभी ओके फिलहाल ओके आप भी मेरा ओके नंबर सेव कर लीजिए, मैं भी आपका ओके नंबर सर, सेव क्या कर नाम लूँ, क्या आपका? मुकेश सिंह। ओके ओके मुकेश चलिए तो सिंह नंबर जी सेव कर सर। लीजिए, कल से हम लोग बात करते रहेंगे आपस में, और जैसे ही मेरा मिलना हो पाएगा या जैसे भी पॉसिबिलिटी ओ बनेगी मैं आपको काम के बारे में बताता हूँ, ठीक है?
ओके ओके, आप चलिए ओके जी, आइएगा, मिलिएगा जरूर और बताइएगा। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा जैसे आपसे दोबारा मुलाकात होगी तो फिर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलिए ओके जी, ओके बाय, नमस्कार। ओके सर, समझ में आया कैसे कॉल करना है? हाँ जी दस्तक बन जा रहा है जी, समझ में आया? अच्छा किस किस को समझ में आ गया, कॉल कैसे करना है जल्दी से? जिन जिन को समझ में आ गया चैट बॉक्स में लिख दीजिए सी। जिन जिन लोगों को समझ में आ गया है कॉलिंग कैसे करनी है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, चैट बॉक्स में लिख दीजिए सी फटाफट से। यस लिख दीजिए सभी लोग, जिन जिन को समझ में आ गया वो लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में सी कैसे कॉल करना है। चलिए बाकी अब आप लोग मुझे कॉल करके दिखाइएगा। दस्तक बन जा रहा, पहले आप कॉल करो, पहले आप ही कॉल कीजिए। जी सर, आप ईश्वर सिंह चौहान को कॉल कीजिए, जी सर, ईश्वर सिंह चौहान। ओके सर, हेलो, और ये ईश्वर सिंह चौहान जो हैं इनका भी नंबर आपने किसी ग्रुप में से लिया है, बात करिए। हाँ जी सर, हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ जी, कौन हाँ बोल जी रहे हैं? कौन जी बोल रहे मैं ईश्वर हो? सिंह चौहान। ईश्वर सिंह चौहान बोलो छो? जी सर, 2 मिनट 2 मिनट बात कर सकता हूँ मैं आपके साथ? हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी, नहीं सर आपका ये नंबर लिया था मैंने, और सब ग्रुप चल रहा है ना अपना, वो MLM ग्रुप चल रहा है ना, हाँ उसमें से जी, मैंने ये नंबर लिया था। इसमें मेरे को किसी ने ऐड कर दिया है, तो मेरे को पता लगाना था कि ये ग्रुप किस काम का है, उसके लिए मैंने आपको कॉल लगाया था। तो ये ग्रुप के बारे में कुछ जानते हो सर आप? नहीं, मुझे कुछ हेलो, जानकारी नहीं है इस ग्रुप के बारे में। हेलो, हाँ, तो मेरे को वही जानना था, ये ग्रुप के बारे में जानना था। मेरे को किसी ने ऐड कर दिया था, तो मैंने आपका नंबर देखा वहाँ पे ग्रुप में, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेता हूँ, और आपको थोड़ा बहुत पता हो तो आप बता देना मेरे को यूं करके। तो कहाँ से हो आप सर? जी मैं गांधीनगर से हूँ, गुजरात, गांधीनगर से हो? गुजरात, हाँ गुजरात से। मेरा अच्छा 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 सर, तो क्या क्या नाम है सर आपका? ईश्वर सिंह, ईश्वर सिंह बोल रहे हो ना? हाँ जी 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 सर, मैं दशरथ बंजारा बोल रहा हूँ सर। तो कहाँ से सर आप? मैं गुजरात सुकसर से बोल रहा हूँ, संतरामपुर ओके, सुकसर जालौर। हाँ जी, जी सर, तो काम करते हो आप? जी सर, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जी प्राइवेट जॉब करते हो सर? दूसरा हाँ जी, कुछ करते हो क्या सर? नहीं इसके सिवा कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करते हो? वह कहीं नहीं, कभी गांधीनगर आएंगे तो मिलेंगे आपसे, बातचीत होंगी तो मुलाकात करना फिर कभी। जी जी सर, सर, बस दूसरा तो मैं वही पूछ रहा था आपको। आपको ओके सर, ओके, चलो कब आएंगे तब आने, तुम आओ जाओ तो यहाँ मिलना मेरे को भी, यहाँ ही रहते हम सुक्सर में, फ्रूट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, की ओके दुकान करते सर, हैं यहाँ सुक्सर में। हाँ जी, हाँ जी, चौक सर, बस सर चलते हैं फिर, तुमको मिलके बहुत अच्छा लगा सिर्फ आपसे बात करके। वाह थैंक यू बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, चलो दस्तक तो फिर, बंजारा हाँ जी कभी वेरी आएंगे तो गुड, मिल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ताली बजा सकते हो सब लोग दस्तक बंजारा जी के लिए। एकदम करेक्ट बात की इन्होंने और नंबर भी ले। अभी दस्तक बंजारा जी आपकी दोस्ती हुई कि नहीं हुई इनसे? डेली अब इनको गुड मॉर्निंग करते रहिए आप, हो गए सर, डेली गुड मॉर्निंग हाँ करते सर, हो गए रहिए हो गए। इनसे, है ना? डेली गुड मॉर्निंग करते रहोगे एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, कुछ ओके दिन सर, बाद आप इनको प्लान दिखा सकते हो। और ये देखिए नंबर आपने कहाँ से निकाला, एक अजनबी व्यक्ति का, किसी ग्रुप में से लेके आपने कॉल किया है। चलिए ईश्वर सिंह चौहान जी आप कॉल कीजिएगा अभी, और आप नरेंद्र कुमार सेवक जी को कॉल कीजिए। नरेंद्र कुमार सेवक जी का नंबर आपने निकाला है कोई उसका हिंदू युवा मोर्चा करके कोई ग्रुप है आपके मोबाइल में, हिंदू युवा मोर्चा, जी उसमें से आपने जी नंबर लिया है। चलिए इनसे बात करिए आप। जी
यस, क्या नाम बताया सर आपने? इनका नाम है नरेंद्र कुमार सेवक, हिंदू युवा मोर्चा करके ग्रुप है, उसमें से आपने हाँ निकाला है। ओके। हेलो चलिए स्टार्ट कीजिए। हेलो, हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। जी नरेंद्र कुमार सेवक बोल रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, तो ये हिंदू युवा मोर्चा जो ग्रुप है हाँ जी, हाँ जी, उसमें से मैंने आपका नंबर निकाला है, तो हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, मुझे किसी ने इस ग्रुप में ऐड किया हुआ है, तो इसके दे सकते हैं सर ये ग्रुप क्यों बनाया गया है, किसने बनाया? नहीं पता मेरे को तो। आपकी आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। आपको भी नहीं पता सर? नहीं, हेलो, आवाज आ हेलो, रही है सर? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो आपको भी नहीं पता सर इस ग्रुप के बारे में कुछ? नहीं, पता मेरे को। ठीक है सर, मुझे लगा कि आपको पता होगा तो मैंने फोन लगाया आपको। मैंने सोचा आपके पास से कुछ जानकारी ले लूँ इस ग्रुप के बारे में, हाँ लेकिन आपको भी मालूम नहीं है, तो कोई कोई बात नहीं है सर, इसके बारे में आपसे हाँ हमारी जी, बात तो हो गई। ठीक है सर, आप कहाँ से हो सर? मैं डूंगरपुर राजस्थान से हूँ। जी सर, आप क्या करते हो सर अभी? जी मेरा केबल नेटवर्क का काम है सर। सर, बहुत बढ़िया काम है आपका। जी सर, और इसके सिवा फ्री टाइम में आप क्या करते हो सर, कुछ काम करते हो अलग? कुछ फ्री टाइम में कुछ नहीं करता हूँ नहीं करते हैं सर, तो जी। मैं आपको एक काम दे सकता हूँ आपके लायक, जो आप फ्री टाइम के काम करके आप एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी सी निकाल सकते हो, जी सर, तो आप सर करना चाहेंगे सर? जी सर, जी सर, तो ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। ठीक है सर सर आप कौन बोल रहे थे? अच्छा जी, मैं गुजरात से ईश्वर सिंह चौहान बोल रहा हूँ सर। अच्छा सर, गुजरात तो विकास, आपको मैं, हाँ हाँ जी सर, गुजरात में कहाँ से? हाँ जी सर, तो आप जानकारी लेना चाहेंगे क्या वर्क है सर? हाँ जी, हाँ जी, बताइए आप तो। तो सर आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, कल सुबह हम आपसे बात करेंगे। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ईश्वर सिंह चौहान जी, आपने बहुत सुंदर कोशिश की, बहुत बढ़िया, लेकिन कल सुबह इनको थैंक यू सर। जानकारी नहीं देनी है, जी सर, ठीक आपको सिर्फ एक चीज बोलनी है। तो चलिए, कभी आइएगा तो गुजरात की तरफ आइएगा तो मुलाकात कीजिएगा, बाकी मेरा कभी आपके है। हाँ आना जी, होता है तो आपसे मुलाकात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी सर, पहले ओके थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड कीजिए, डायरेक्ट कल प्लान मत दिखाइए, थोड़ा सा रिलेशन बनाइए ओके पहले सर। अभी इनसे, और जब जी रिलेशन थोड़ा जी सा बन जाएगा, जब थोड़े से क्लोज आ जाएंगे, तब प्लान दिखाइएगा। अभी ओके से सर, ओके हिंट दे के छोड़ दीजिएगा कि कभी मिलेंगे आपसे, बैठ के बात करेंगे, काम के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे आपसे, राइट ओके जी ना, ये काम करना है। तो चलिए, सर, आगे से बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ओके अभी सर, मैं आप लोगों के फोन में से कॉल करवाऊंगा। अभी अनंत राठौड़, अनम्यूट कीजिए अनंत। हेलो, हेलो, हेलो हेलो, हाँ जी, कॉल करेंगे आप? यार हाँ हेलो, यार शायद इनको बोलने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट। नरेंद्र कुमार सेवक जी, आप कॉल कीजिए, आपके मोबाइल में देखिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? सर, व्हाट्सएप ग्रुप है आपके मोबाइल में कोई अजनबी लोगों का मेरे ग्रुप, मोबाइल में व्हाट, किसी ने आपको ज्वाइन किया हो? हाँ जी, है, उसमें से एक नंबर निकालिए, और आपके मोबाइल पे ट्रू कॉलर एक्टिवेट है? टू कूलर एक्टिवेट है, पण टू कूलर वाला आता नहीं है सिस्टम मेरे को। नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, आप इधर ही कॉल कीजिए अभी, तो वो दिन में कॉल कीजिएगा। अभी आप यहाँ पे कॉल कीजिए मितेश जी पटेल सर, को, मितेश पटेल का नंबर आपने किसी ग्रुप में से लिया है ना, हाँ जी, और हाँ आप जानते नहीं हो एक दूसरे को, जी, पहली जी बार आप इनको कॉल कर रहे हो, कॉल करके दिखाइए। मितेश जी, अनम्यूट कीजिए। सर, यस, कॉल कीजिए नरेंद्र जी ने, जैसे बताया था मैंने वैसे ही। हेलो, हाँ जी सर, कौन बोल रहे हो? हाँ जी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हेलो,
नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। जी सर, मैं राजा नमस्कार सी राजस्थान से बोल रहा हूँ। किसी हाँ ग्रुप जी। से आपका नंबर जी नंबर मिला था, तो मैंने जानकारी के लिए आपको फोन लगाया कि क्या है, कैसे क्या है योग के। तो आपको कुछ पता है क्या इसके बारे में? नहीं सर, मुझे नहीं पता। अच्छा। तो आप कहाँ से हो सर? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, मितेश अच्छा पटेल। अहमदाबाद। अच्छा अहमदाबाद गुजरात से बोल रहे हो सर। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा जी, क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट अच्छा, प्राइवेट प्राइवेट जॉब करते हो, जॉब कर। हाँ, प्राइवेट जॉब। तो फ्री तो रहते होगे, थोड़ा बहुत टाइम निकलता होगा आपके पास। हाँ मतलब सर। तो जिसके लिए क्या है कि आपसे मिलना, कभी आना होगा तो मैं मिलूंगा आपसे। एक बिजनेस है, अच्छा आपके आपके भी जी फायदा हो, ऐसा बिजनेस है। ये जी सर। होगा, मैं आपसे मिलता हूँ, मुलाकात होगी तो आपको बताऊंगा। ने दूसरा आपसे, ये आपका नंबर मेरा सेव कर दिया, तो जी सर, वो काम आपसे क्या है गुड सर? मॉर्निंग करता हो सर। ये अच्छा काम है एक, तो वो तो आपसे मिलेंगे तब बताएंगे। आपसे मिलना होगा तभी बात करेंगे, तो मजा आएगा। ये फोन पे बात में मजा नहीं आएगा। जी सर, ओके। तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, गुड मॉर्निंग करूंगा मैं सुबह। फिर कब मेरा आना होगा आपकी जी तरफ, सर, तरफ आना होता रहता है मेरा, 8 दिन में होता, मुलाकात करूंगा अच्छा। आपसे। उसी टाइम पे आप 5-10 मिनट निकाल लेना, तो आपको मैं थोड़ा बता दूंगा, तो आपको भी थोड़ा समझ में आएगा। बिल्कुल 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 सर, ओके, बिल्कुल थैंक यू, सर। ओके सर। देखिए, बहुत सुंदर कोशिश की नरेंद्र जी आपने, लेकिन अभी इनको बिजनेस की जी कोई सर, जानकारी नहीं देनी है। आपने इनको बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी, अभी सिर्फ नंबर ऐड करने की बात हो रही है। अभी बिजनेस प्लान करने के लिए आप अपॉइंटमेंट नहीं हाँ ले जी सर, रहे। ये ध्यान रखिए, अपॉइंटमेंट कॉल नहीं है। जी सर, अभी आपको ये लिस्ट हाँ मेकिंग सर, कॉल है, ये अपॉइंटमेंट कॉल नहीं है। इसमें तो अभी आपको उससे बातें करके लोगों के नंबर, उस अनजान लोगों में से उनको फेमिलियर करना है, अपना उनको नोन लोगों की लिस्ट में लेके आना है डायरेक्ट। अभी आप उनको प्लान दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, जी रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले जी आप सर, वहां से लोगों से दोस्ती कीजिए, उनसे बात कीजिए, अगले दिन से हाँ हाय जी हेलो सर, गुड मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए। जब थोड़ा सा महीने 2 महीने रिलेशन बन जाए, फिर आप उनको प्लान दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लीजिएगा। अपॉइंटमेंट के लिए दोबारा आपको कॉल करना होगा, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट के लिए टाइम मत लीजिए आप ओके लोग। ओके अभी सर, टाइम लोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा आपको। समझ में आ रहा है? चलिए मितेश भाई, आप जी कॉल। सर, मितेश जी, मितेश जी सर, पटेल जी, आप हेलो। कॉल करो विशाल यादव को। विशाल यादव जी, अनम्यूट कीजिए। विशाल यादव जी, हेलो विशाल यादव जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, जी, हेलो जी सर, ये हूँ। हेलो हाँ विशाल जी। जी मितेश जी, आपने इनका नंबर किसी ग्रुप में से सर, लिया है? बताइए, इनको कैसे बताओगे? हाँ हेलो सर, विशाल यादव जी, बोलिए। कौन हाँ बोल रहे हो सर? हेलो सर, जी सर, मैंने आपका नंबर ग्रुप में से लिया है। हेलो आपका नंबर ग्रुप में से निकाला है सर, तो मुझे पता नहीं है ये कौन सा ग्रुप है, आपको पता है सर? हेलो, आवाज विशाल नहीं आ जी का रही शायद सर। नेटवर्क का इशू है विशाल जी का। कोई बात नहीं, आप कृष्णा जी को कॉल कीजिए, कृष्ण मोहन को कॉल कीजिए आप। कृष्णा जी, अनम्यूट कीजिए, यस स्टार्ट कीजिए, यस सर, और ग्रुप का नाम भी बताइए। मितेश पटेल, किस ग्रुप से लिया है, ग्रुप हेलो, का नाम भी बताना है। ये सहयोग ग्रुप से। हेलो, हाँ बात करो इनसे, कृष्णा जी से। हेलो सर, यस हेलो, हाँ जी, कौन? कहाँ से बोल रहे हो सर आप? मैं तो एग्जैक्ट गोरखपुर से बात कर रहा हूँ, यूपी। आप कहाँ से? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, मितेश पटेल।
अच्छा, मैं एक पहचाना सहयोग थी ग्रुप आपको। है। हाँ, एक सहयोग ग्रुप से अपन आपका नंबर निकाला है सर। तो सहयोग ग्रुप क्या है सर, मुझे पता नहीं है कौन सा ग्रुप है वो। ग्रुप में तो मेरे को भी एग्जैक्ट मेरे को मालूम नहीं है वो ग्रुप क्या है, किस लिए बना है। अच्छा, मैसेज तो आता रहता है उसमें, मैं देखता हूँ बराबर। मुझे नहीं पता, पर आपका नंबर निकला था इसके लिए कॉल किया था। मैं पूछ लूँ कि जी सहयोग ग्रुप का क्या मतलब ग्रुप बताइए, का है। जी आपने नंबर क्यों निकाला है, किस लिए नंबर लिया वहां से, सर, नंबर आपने क्यों लिया वहां से, बताइए काम। सहयोग ग्रुप था उसमें आपका नंबर था, इसके लिए मैं पूछ रहा था कि सहयोग ग्रुप में मतलब क्या काम का वो ग्रुप बनाया हुआ है, किस काम का है, वो इसके लिए एग्जैक्ट फोन किया था। मितेश जी मेरे को तो अभी क्लियर नहीं है कि वो ग्रुप किस लिए बना हुआ है, बट पता नहीं किसी ने मेरे को ऐड कर दिया है और उसमें मैसेज वगैरह आता रहता है, बट मैं मैसेज को ध्यान नहीं देता हूँ। अच्छा, ठीक है सर। आप कहाँ से बोल रहे थे सर? मैं गोरखपुर यूपी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, चलो ठीक है सर। तो मैं अहमदाबाद से, मितेश पटेल अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा ओके, तो कभी उधर आना होगा तो मिलेंगे सर। बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल, आइएगा आइएगा, ठीक है, जमा ओके कॉल करूँगा सर, उधर आऊँगा। ओके ओके। ओके सर, बाकी कभी आप आइएगा अहमदाबाद की तरफ कृष्णा जी, तो मिलिएगा। मैं नंबर सेव कर लीजिए, ये हाँ मेरा हाँ मितेश पटेल के नाम से नंबर सेव कर लीजिए, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ कृष्णा मोहन के नाम से। तो कभी आप आइएगा तो मुलाकात होगी, बाकी गुड मॉर्निंग तो होती रहेगी आपसे। अब मितेश भाई इतना और बोलना है, तभी जी। तो नंबर मिलेगा, तभी तो कॉलिंग अच्छा, चालू करोगे, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग स्टार्ट करोगे। कौन? ठीक है, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ जी, कभी आइएगा तो मिलेंगे सर। हाँ चलिए आऊंगा बाकी जरूर, गुड मॉर्निंग तो होती रहेगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए कृष्णा जी बाकी गुड आप कॉल मॉर्निंग तो होती कीजिए, कृष्णा रहेगी। जी आप कॉल करो, अभी चलिए आप कॉल करिए यूएम पटेल जी को। यूएम ओके पटेल सर, जी कॉल मितेश। करिए, अच्छा, यूएम पटेल अनम्यूट कीजिए। कृष्णा जी किसी ग्रुप में से नंबर लेके यूएम पटेल जी को कॉल हाँ करो। किया सर। ओके ओके हेलो हेलो, हाँ यस, बोलो, कौन है आप? हाँ जी यूएम पटेल जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, यूएम पटेल ही बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्णा मोहन मिश्रा और मैं बलिया जिले यूपी से हूँ, और यस मैंने आपका एमएलएम ग्रुप से आपका नंबर लिया हूँ, और जी, एक ग्रुप में पता नहीं मेरे को भी किसी ने ऐड कर रखा है, और वहाँ पे मैंने आपको भी देखा था और आप काफी हाँ सीरियस रहते, उसमें मैसेज वगैरह आपको आता रहता है आपके माध्यम से, तो मैंने जी सोचा सर, कि चलो ना क्यों नहीं आपसे एक बार बात हो जाए। तो यूएम जी पटेल जी ये ग्रुप किस लिए बना गया, इसको बारे में आपको मालूम है क्या कुछ? नहीं, वो मालूम तो नहीं है, मेरे को भी ऐड कर रखा है, मालूम नहीं है मेरे को। वही तो, मेरे को बार बार मैसेज वगैरह आता रहे, तो मैंने सोचा एक बार मैंने क्यों नहीं आपसे एक बार कंफर्म कर लूं कि आखिर ये ग्रुप किस लिए बनाया गया है, तो आपको मालूम नहीं है इसके बारे में? मैसेज पर मैं ध्यान नहीं देता अच्छा अच्छा ज्यादा। चलिए हाँ, ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। आप इसके लिए आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। अच्छा गुजरात से, क्या बात है, चलिए या बहुत बड़ा। यस, गुजरात में कहाँ से? ओ पंचमहल। अच्छा, चलिए उधर तो मैं आता जाता रहता हूँ कभी काल के, और मैं भी प्रॉपर और इधर कभी बलिया जिले आओ में। जल्द। हाँ बस आओ, चलिए मिलते बिल्कुल रहते आऊंगा, हैं। चलिए बहुत हाँ अच्छा लगा आपसे बात करके। तो यूएन हाँ पटेल जी ऐसा है कि ये मेरा नंबर है, आप इसको सेव कर लीजिएगा और मैं भी आपका नंबर हाँ सेव जी कर लेता हूँ, जरूर। और हाँ बाकी जी कभी सर, आऊंगा उधर के साइड तो आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? ओके, और मैं आप भी कभी आपको आए मिलूंगा छत्तीसगढ़ यूपी। में, हाँ मैं आप भी भी आ कभी सकता बलिया, हूँ यूपी। जी जी आप भी कभी यूपी में आइए तो मेरे साइड आइएगा, ठीक है? हाँ ओके ओके सर, चलिए तो ठीक है, मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, अब बाकी तो आपको डेली गुड मॉर्निंग होती रहेगी, ठीक है? जी ओके सर, ओके चलिए ओके बहुत ओके, सुंदर, चलिए बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छे कृष्णा जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए यूएम पटेल जी, अभी आप सतीश पासवान जी को कॉल कीजिए। अभी वैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे जी कॉल सर, करना है? हेलो, जो जो लोग कॉल करते चल रहे हैं उनका कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, किस तरीके से बात करनी है। और आपको बता दूं, एक एक ग्रुप जी में सर, दो दो सौ ढाई ढाई सौ नंबर होते हैं, और इसी तरीके से आप सबको कॉल करना चालू कर दो तो 200-250 लोगों की आपकी लिस्ट बन जाती है एक ग्रुप में से। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए यूएम पटेल जी, आप सतीश कुमार पासवान जी को एक हाँ जी, कॉल कीजिए।
हेलो। हाँ हेलो। आप सतीश पासवान जी बोल रहे हैं? हाँ, यस सर, यस सर, सतीश कुमार पासवान, कैसे यूपी हो? से। बढ़िया सर, बढ़िया, कैसे हो एक आप? नंबर, बढ़िया। बढ़िया। अच्छा और आपका नंबर मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से लिया, मैं सोचा फोन करूँ, आपको बात कर सकता हूँ। आप बात कर सकते हो क्या? किस ग्रुप से लिए हैं सर? व्हाट्सएप ग्रुप में था ये आपका नंबर। वो तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, हाँ जी सर, व्हाट्सएप तो ग्रुप। मैं समझा जी के ग्रुप में ग्रुप क्या है, कैसे है, वो समझने के लिए ही फोन किया था। ग्रुप का नाम बताएंगे तब ना हम बता पाएंगे तो सर। आपको पता है क्या? हाँ जी सर, बराबर। तो हेलो। यही, इसके लिए ही मैंने फोन किया था बस, और कुछ नहीं। आप क्या करते हो अभी? हाँ अभी सर, क्या हम तो करते हो आप? अध्यापक हैं, अध्यापक है सर। ऐसा? हाँ, टीचर है। हाँ जी हाँ हाँ ओके सर, बस यही बात बता रहा था मैं, इसलिए फोन किया था। ओके 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 जी अभी सर जी, अभी मेरा नंबर सेव कर लीजिए, कभी कभी आपको गुड मॉर्निंग होती रहेगी अभी। ओके ओके। मेरा नंबर भी हाँ नोट कर लीजिएगा, हाँ नोट कर कभी लेता इधर हूँ आना मैं। हो तो आइए, स्वागत है, मिलते हैं हम लोग। आप भी गुजरात में आओ तो हमारे यहाँ आने का ठीक है जरूर। सर, ओके हाँ ओके ओके। ओके सर, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यम पटेल जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कोशिश की आपने, ग्रेट। ऐसे ही अब आपको डेली क्या करना है, सभी लोगों को अपने ग्रुप में से नंबर निकाल निकाल के कॉल करना है। आपके पास नंबर्स की कभी जी जिंदगी सर, में कभी कमी होगी ही नहीं, समझ रहे हैं? कभी भी कमी नहीं होगी। तो चलिए अभी पासवान जी कॉल करेंगे। अभी जी सर, अभी पता है महिलाएं बोल रही हैं हमारा भी नंबर कब आएगा, आप टेंशन मत लो, पासवान जी के बाद अब आपका ही नंबर आएगा। पासवान जी आप एक काम करो, महिलाओं को भी लाइन पर ले ही लेते हैं। चले पारुल बहन, अनम्यूट कीजिए। ले लीजिए। सतीश पासवान जी, आप पारुल बहन मैम को ही कॉल करो, ओके लेकिन पारुल बहन जी को सर, हिंदी आनी चाहिए, बस इतना है, नहीं तो सतीश पासवान जी को गुजराती में बात करनी पड़ेगी। पारुल बहन बोले छो, हेलो। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करो ना मैम। आप मैम का लगता है मुझे नेटवर्क का इशू है क्या? कांति, कांति देवी तबियार मैम, कांति देवी तबियत, कांति देवी मैं तबियार, बोले बिल्कुल याद नहीं। तबियत कांति देवी मैम अनम्यूट कीजिए। यस हेलो। जी, सतीश हाँ पासवान आप कॉल कीजिए कांति देवी मैम को। हेलो मैडम, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ मैं सतीश कुमार पासवान कुशीनगर यूपी से बोल रहा हूँ। आपका नंबर मैं एमएलए ग्रुप से लिया हूँ, जिसमें आपका मैसेज डेली आता हाँ रहता है। मेरा ओके भी सर। इसमें ऐड हो गया है नंबर, तो इसलिए मैं फोन किया हूँ आपको कि क्या ये क्या है, एमएलएम ग्रुप क्या है। ऐसा ग्रुप है ये? हेलो। क्या बता सर, मेरे को बता आपको भी नहीं पता है? नहीं। ओ, कहाँ से आप बोल रही हैं? खासवाड़ा से। पासवाड़ा से? क्या करती हैं मैडम? मैं आशा का काम करती हूँ, समूह का काम करती हूँ, ऐसा काम करती हूँ। ओ बहुत अच्छा, ग्रेट। और उससे समय बचता है कि नहीं मैडम आपको? समय तो वो काम करते हैं तो कहाँ से बचता है। ओके ज्यादातर ओके, का चलिए काम तो महिला का होता है। जी मैडम मेरा नंबर नोट कर लीजिए, बाय चांस कभी उधर आने का आपको मौका मिलता है तो आपसे मिलेंगे हम। क्यों? वैसे
बाकी खाली समय में आपको एक ऐसा जॉब बताऊंगा जो अलग से आपको इनकम आएगी, बहुत ही शानदार है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लेडीज इसमें बहुत अच्छी से प्रॉफिट अपना कमा रही हैं। अभी बता दो, मैं तो समझ जाऊंगी। नहीं, वैसे नंबर आपका नोट हमने कर लिया है, आपके क्षेत्र में जब आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपका नंबर नोट कर लिया। ओके ओके सर, थैंक मैडम, थैंक यू। यू। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पासवान जी। लेकिन जैसे मैडम ने बोला था क्यों, तो इसी वक्त आपने एकदम सही इनको हैंडल किया, और ऐसे ही करना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें काफ़ी सारी आशाएं मेरे साथ में, इन्होंने बोला ना मैं आशा हूँ, तो क्या बोलना चाहिए, मेरे साथ में काफ़ी सारी आशाएं काम कर रही हैं। तो आपने बताया आप आशा हो, तो आपके फ़ायदे की कुछ चीज़ बताऊंगा मैं। कभी आप आइए कोई यूपी की तरफ तो कॉल कीजिएगा, यदि हमारा उधर आना हुआ तो हम कॉल कर लेंगे आपको। ठीक है, बस हो गया। चलिए अभी कांति देवी तबियार, आप कॉल करो पारुल बेन को। पारुल बेन मैम, आपको तो खांसी ज्यादा हो रही है, कफनिल पियो ना गर्म पानी में, या फिर मूंगफली खाओ। देखो मैं भी मूंगफली खा रहा हूँ बैठे बैठे, ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड के ऐसी चीजें खाओ, मूंगफली है, बादाम है, कफनिल पियो। कैसे बात करो कि खांसी इतनी हो रही है आपको, इनको तो खांसी बहुत हो रही है भाई। कांति बहन मैम, आपके नंदिनी मैम को कॉल करो। नंदिनी, आप कफनिल पियो, आधा कप, आधा कप खौलते हुए पानी में चार ढक्कन कफनिल डालो, और चाय की तरीके से धीरे धीरे पियो उसको, और आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना मत, अभी आपको फायदा हो जाएगा। जाओ लेके आओ, कफनिल है घर पे? नहीं है कफनिल है तो अभी जाके ले लीजिए आप, जब तक ये कांति बहन मैम, नंदिनी मैम को कॉल करो आप। नंदिनी अनम्यूट कीजिए। नंदिनी, हेलो। यस कांति बहन मैम, हेलो कॉल करो नंदिनी को। हेलो जी मैम, नमस्ते नमस्ते मैडम। जी मैम, नमस्ते, बोलिए। मैंने आपका नंबर व्हाट्सएप से लिया है, अच्छा तो आप कैसे हैं? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आपके परिवार सब कैसे हैं? सब ठीक है, आपके वहाँ सब कैसे? अच्छा मैं बांसवाड़ा से बोल रही हूँ। बोलिए। हाँ तो आप क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं मैम, मैं तो घर पर ही रहती हूँ, आप क्या करते हो? तो आप कहाँ से मैडम? मैं एमपी से हूँ। एमपी से हूँ। तो जी मेरा नंबर आप लिख लेना, और आपका नंबर मैं लिख लूंगी, और कभी इधर आओ तो मिलेंगे। ठीक मैम, आप भी इधर आओगे, कभी आपका इधर आना होगा तो फिर मैं भी आपसे मिल लूंगी। मैडम। कांति देवी मैम, ऐसे हंसी मजाक नहीं चलेगी, सीरियसली कॉल कीजिए आप इनको, ठीक है ना, बात करिए ना आप इनसे सीरियसली। तो सर की तो सही नहीं। नहीं ऐसे नहीं, सीरियसली बात करिए। अभी कैसे नंबर कब लिया आपने इनका, मतलब इनको कब बोला आपने, दोबारा से कॉल कीजिए। नंदिनी दोबारा अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो। जी मैम, बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, आपका नंबर मैंने व्हाट्सएप से लिया है, व्हाट्सएप कहाँ से मैम? से, व्हाट्सएप अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में से? में ग्रुप का नाम तो बताइए मैम। कांति देवी मैम, ग्रुप का नाम बताइए, इनका नाम लीजिए। नंदिनी मैम बोल रही हो क्या? देखिए कैसे कॉल करना है, सुनो ध्यान से, दोबारा सुनो नंदिनी मैम एक बार। कांति देवी दोबारा हेलो सर, सुनिए, मैं बोल रहा हूँ।
मैं देखिए नंदिनी को मैं कॉल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हेलो जी सर, नंदिनी मैम बोल रही हैं क्या? हेलो जी सर, मैं नंदनी बोल रही हूँ। नंदिनी मैम, मुकेश बोल रहा हूँ अलीगढ़ यूपी से, जी सर और बोलिए। आपका नंबर मैंने लिया है मैम, एमएलएम ग्रुप करके है, एमएलएम इंडिया ग्रुप, वो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने उसमें से आपका नंबर लिया है। 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या आपसे भी? जी सर कर सकते हो। एक्चुअली मैम मुझे पता नहीं है ये ग्रुप किस लिए बनाया है, क्यों बनाया है, मुझे किसी ने इसमें ऐड कर लिया है, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था, आपको कुछ पता है क्या? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता इस ग्रुप के बारे में। अच्छा, तो आप भी किसी एमएलएम कंपनी में नहीं हो आप? नहीं सर, मैं कुछ एमएलएम कंपनी में नहीं हूँ। मतलब आपको भी किसी ने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, जैसे मुझे किसी ने ऐड कर लिया वैसे आपको भी ऐड किया है, राइट जी ना? सर, ओके मुझे भी पता नहीं ऐसे ऐड कर लिया। हाँ जी, ओके ओके ओके। तो मैम वैसे आप कहाँ से हो? मैं एमपी से हूँ, ओके, एमपी में किस जगह? पीतमपुर। ओके, एमपी में तो हमारे एक बहुत अच्छे साथी है, वो रीवा में रहते हैं। रीवा से कितनी दूर पड़ता है आपका? कितना होगा? 200 किलोमीटर होगा। ओके वेरी गुड। तो आप क्या करती हो, हाउसवाइफ हो आप, जॉब करती हो? मैं जॉब भी नहीं करती हूँ, मैं हाउसवाइफ भी नहीं हूँ, घर पर ही रहती हूँ। अच्छा, आप घर पर रहते हो? ओके ओके ओके। अच्छा, अभी अनमैरिड हो, अभी शादी नहीं हुई अभी? शादी नहीं हुई है। ओके मैम, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए तो बहुत अच्छा है मैम। तो क्या कर रहे हो अभी, पढ़ाई कर रहे हो आप? जी सर, 10th क्लास पढ़ रही हूँ। अच्छा, अभी 10th में हो क्या आप? जी चलो सर, चलो, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा ठेकेदार है, मकान बनाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पापा से बात करवाइएगा मेरी एक बार, पापा जी सर कहलाएंगे, करवा काम दूंगी। बताता हूँ, बहुत अच्छा, आप लोगों की फैमिली जी के लिए बहुत सर, फायदा रहेगा, और कभी पापा से बात करवाइएगा हाँ मेरी, जी सर ठीक करवा है? दूंगी। चलिए चलिए, बाकी मेरा नंबर ठीक है, है सेव कर लीजिए आप, मेरा नंबर मुकेश सिंह के नाम से सेव कर जी लीजिएगा, सर। जी और मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ नंदनी, है ना? कभी पापा से बात करवाना मेरी। जी चलो वेरी गुड, ओके, मिलते हैं फिर। आपने भी मेरे नंबर सेव कर लिया। हाँ, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, ठीक है ओके ओके, बाय। अभी देखा किस तरीके से बात की मैंने, अब मुझे ये पता चल गया नंदनी की एज कम है, तो मैंने क्या किया, सीधे सीधे बोल दिया नंदनी पापा से बात करवाना, डन, नंबर भी सेव हो गया। चलो नंदनी, अब आप कॉल करो, नंदनी आपको कॉल करना है सुनीता राठौड़ को, जी सर। जी या सुनीता राठौड़ को कॉल करो आप। नमस्कार नमस्ते, आप बोलिए जी। हाँ, सुनीता राठौर मैम बोल रहे हो? मैं सुनीता राठौर बोल रही हूँ। मैंने एमएलएम ग्रुप से निकाले थे, आप क्या? नहीं, मैं इसमें नहीं काम, आवाज नहीं आ रही मेरी आपकी मैम। आवाज नहीं आ रही आपको? आपने अब भी आई अब आवाज? जानकारी है ग्रुप के एक बारे में? हेलो, सुनीता मैम, हाँ आप तो बोलो। इधर बैठे हो, आपके बर्तन कौन बजा रहा है? बोलो मैडम, आप तो बोलो इधर बैठे हो, मैम। पीछे बर्तन कौन बजा रहा है आपके? बर्तनों की आवाज आ रही है पीछे से। आकांक्षा सर, हाँ जमीन बोलो, अभी नवरा बर्तन थे, मत मैं बजाओ थोड़ी शुक्रवार देर, सब बोले हटाओ। हाँ थोड़ी देर बाद बजाना। बोलो सर। यस यस, कंटिन्यू करिए। जानकारी हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो मैम। नहीं जी, मैं आपको इस ग्रुप के बारे में कुछ जानती है क्या? क्या मैं ग्रुप के बारे में नहीं जानती मैम, करते हो आप वैसे? अच्छा, मैं अभी जॉब कर रही हूँ। कहाँ से हो आप? बाहर रहते हो आप?
मैं अहमदाबाद रहती हूँ। मेरा उधर आना होगा तो फिर मैं आपसे मिलूंगी, ठीक है? ओके, आप मेरा नंबर सेव कर लेना मैम, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगी। और मीटिंग होती रहेगी आपसे, फिर कभी आना हाँ होगा तो मिलूंगी। चौकस, ओके, नमस्कार। बहुत सुंदर नंदिनी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे सर नंदिनी, बहुत अच्छा मैं म्यूट पर्सन। करूँ अरे मैम बिल्कुल कॉल करिए ना, अभी सुनीता राठौड़ मैम कॉल करेंगी। हाँ सुनीता राठौड़ मैम कॉल करेंगी गणपत विके को। गणपत विके अनम्यूट करो, गणपत विके क्या सर? जी सेल्स मैम, मैम गणपत को कॉल करो आप। ये बजा रहा था क्या बर्तन पीछे? हाँ ले लिया सर। अच्छा तो दोनों भाई बहन तो नहीं बजा रहे थे आपस में? हाँ सर। ऐसे बजाते हैं। पता है एक बार क्या हुआ, सुनो सुनो ध्यान से, पहले आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ फिर आगे पढ़ाई करेंगे। एक बार क्या हुआ पासवान ओके की, सर। एक घर में से रोज सुबह सुबह हंसने की आवाज आती थी और बर्तन फेंकने की आवाज आती थी। एक घर में से सुबह सुबह बर्तनों की आवाज आती थी और हंसने की आवाज आती थी, बहुत तेज तेज हंसते थे। तो एक दिन वो पड़ोसी जो थे उनके बेचारे उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा यार एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ सुबह तुम इतनी जोर जोर से हंसते हो, तुम्हारे यहाँ बर्तन फेंकने की आवाज आती है, चक्कर क्या है ये? तो बोलता है देखो हम दोनों मियाँ लड़ते हैं और दोनों एक दूसरे में बर्तन फेंक फेंक के मारते हैं। अब जिसका भी बर्तन लग जाता है वो बड़ी जोर जोर से हंसता है, राइट ना? तो ऐसे इधर हो रहा था अभी सुनीता राठौड़ मैन के घर, अब ये इनका बेटा और बेटी दोनों बर्तन बजा रहे थे आपस में, मम्मी इधर बिजी है। चलो खैर थोड़ा सा लाइट होना भी जरूरी है ना, समझ में अच्छा आएगा, नहीं तो नींद आ जाएगी। सर चलो सुनीता राठौड़ मैम अब आप कॉल करो, वैशाली बोभाटे मैम को कॉल करो। वैशाली मैम ओके वैशाली बोभाटे मैम, सर। यस मैम, हेलो, आवाज आ रही है? यस यस मैम सर। आपकी आवाज आ रही है अभी। वेरी गुड इवनिंग। गुड यस इवनिंग मैम, सुनीता राठौड़ मैम आपको कॉल करेंगी, राइट ना? आप ओके एक सर। अननोन, आप इनके लिए अननोन पर्सन हो, ये व्हाट्सएप ग्रुप में से यस आपका नंबर निकाल के आपको कॉल कर रहे हैं। यस सर। चलिए ठीक है, और गणपत विके अभी आपको कॉल करना है, अभी मैं भी करवाता हूँ, इन दोनों को आपस में कॉल करने दो फिर मैं आपको कॉल करवाता हूँ। यस मैम प्लीज, सुनीता मैम स्टार्ट। ओके सर। नमस्कार मैम, वैशाली मैम बोल रहे हैं आप? यस मैडम, नमस्कार, बोलिए मैडम। हाँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप से, युवा मोर्चा ग्रुप में से आपका नंबर मिला मेरे को। ओके हाँ, मैं भी वही ग्रुप में हूँ, बोलिए। हाँ आप कहाँ की हो मैम? मैं मुंबई से बात कर रही हूँ, आप मुंबई कहाँ से से। बात कर मैं अहमदाबाद से। रही हैं? अहमदाबाद। हाँ हाँ बोलिए ना मैडम, क्या काम था, आपने कॉल क्यों किया? बस ये नंबर मिला तो मैंने देखा कि किसका नंबर है, मैं कॉल करके देख लूं मिकी दूं। ओके हाँ बोलो, बोलिए। घर में सब कैसे हैं मैम? हाँ सब मजे में, बोलिए। ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लेना मैम, क्यों मैडम? इसलिए कि आप हम एक दूसरे से बात कर सके कभी इस तरफ आना हो तो, इसलिए मैम। मैडम मैं मुंबई में हूँ, आप अहमदाबाद में है, तो आने जाने का तो होता नहीं है, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है, तो कहाँ से मैं आऊंगी? और मैं ऐसे नंबर तो सेव किसी का करती नहीं हूँ, अननोन पर्सन का क्यों नंबर सेव करूँ? तो बात सही है मैम, पर हम सही तरह से मैडम बात करेंगे। फुर्सत ही नहीं है, जितने ग्रुप है उतने, वो ग्रुप में भी आप देखेंगे मैं यही नहीं, एक्टिव ही नहीं हूँ, पता नहीं किसने किया हुआ है ऐड, तो अभी चल रहा है, ऐसे लगता है अभी वहां से एग्जिट हो जाऊँ। ओके मैम, आप कभी भी आए, इस ओके तरफ ना, आए तो मेरे को कॉल करना, हम मिलेंगे और मेरा नंबर आप ऐड करना मैम। मैडम ऑलरेडी आपका नंबर ग्रुप में है, आपका नंबर है, आप गुजरात ओके जाने मैम, को, अहमदाबाद आने का कोई चांस ही नहीं है मैडम। ऐसा हम आएंगे आपके घर तो हम आपके कॉल करेंगे, हम मिलेंगे आपसे। मैडम मैं किसके लिए मिलना है वो तो बताइए। ऐसे मिलेंगे,
ऐसे मिलने को मुंबई में, आपको पता है मुंबई में बोलते हैं ना टाइम नहीं है, टाइम बोलते घड़ी के कांटे से सब लोग चलते हैं, ये ये तो अहमदाबाद और सही लेकिन मिल के आराम बात से बैठ के बात करे करके, टाइम है। ये तो बात किसके सही, पास रहता ही नहीं है। हाँ टाइम तो किसी के पास नहीं रहता मैम, पर किसी के लिए 2 घंटे या फिर टाइम आधा घंटे टाइम नहीं निकालो तो अच्छा रहता है सर मैम। मैडम, ठीक है मैडम, ओके ओके। आप सॉरी मैडम, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ आपको, पर सभी हाँ नहीं है मुकेश जी, सभी तो ऐसे नहीं कि फटाफट से मान जाते हैं करके, तो नहीं इसको मैं सुन रही मैम, थी कि सब लोग मान रहे हैं, हाँ चलो मिलते हैं करके। वैशाली हाँ मैम ने एकदम सही बोला। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इसी तरीके से बात करेंगे। बहुत सारे मिलते हैं, हाँ अब उनको आपको सही, कैसे हैंडल अननोन करना है? पर्सन से तो कोई बात करता ही नहीं। उनको उसे कैसे हैंडल करना है, उसका ये तरीका है। उनको जैसे बोले क्यों करना है, एक्चुअली क्या है कि मैं भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं आने वाले समय में मुंबई में स्टार्ट करने वाला हूँ मेरा प्रोजेक्ट। तो आपके साथ भी कभी शेयर करेंगे, आपको अच्छा लगा तो आप भी देखिएगा, आप भी समझिएगा, फिर आप भी बेनिफिट ले सकते हो। समझ में आया? कैसे? यस सर, जबरदस्ती पीछे मत पड़ो। देखो किसी के जबरदस्ती पीछे पड़ोगे ना तो जितना आप पीछे पड़ोगे उतना दूर भागेगा। आप पीछे मत पड़ो। अभी जैसे वैशाली मैम को आपने कॉल किया, आपने नंबर सेव कर लीजिएगा। अभी वैशाली मैम ने बोला मैं क्यों नंबर सेव करूं, तो आप बोलिए आपकी इच्छा है करिए मत करिए, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैं अभी आने वाले टाइम में मुंबई में मेरा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्या? मेरा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ और मैं तो सोच रही थी कि मुंबई में जब स्टार्ट करूँ तो आपको भी बताएंगे और अच्छा लगा, तो आप भी बेनिफिट ले सकते हो। बाकी कभी अब आप चाहें तो नंबर सेव कर लीजिए मेरा, ये मेरा नंबर है सुनीता राठौड़ के नाम से, और आपका तो ग्रुप में है ही, मैं भी सेव कर लेती हूँ, जैसे यदि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं बता दूंगी आपको। समझ में आ गया? कैसे ओके करके आपको कॉल करना है? अभी चलिए वैशाली मैम कॉल करेंगी। वैशाली मैम आप, ओके सर, यस और आपको गणपत विके को कॉल करना है। गणपत रेडी हो जाइए। सर, यस मैम, आपके पास कोई तो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा जी उसमें का नाम रेफरेंस दीजिए, इनको कॉल कीजिए गणपत। ये सर कहाँ से है? अब ये तो कुछ नहीं पता, ये तो आप बात करिए ना, अननोन है। हाँ नहीं, दैट्स ट्रू, बट ठीक है मैं बात कर लेती हूँ। गणपत आप जी है ही ना? पता करिए कहाँ से है, ये मुझे भी नहीं पता कहाँ से है। चलिए सॉरी, ओके ओके चलिए ठीक कोई है। बात नहीं, हेलो बस मैम। हेलो हेलो, गणपत जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, गणपत जी बोल रहे हेलो हैं। गणपत जी, नमस्ते, मैं वैशाली पोवाटे बोल रही हूँ, मुंबई से बोल रही हूँ। सर अभी जो अपना जी एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है इस जी लव माई इंडिया, तो इसमें मैंने देखा कि आप भी है करके, तो जी इसके लिए मैंने अभी आपका नंबर देके कॉल किया, क्योंकि मुझे भी पता नहीं किसने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो आपको सर कुछ आइडिया है कि इसमें कि किसको आपने ऐड किया हुआ है ग्रुप में? जी मैडम, इसमें तो मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी ऐड किया गया है इसमें, इस ग्रुप अच्छा, के बारे में। पर नहीं पता है आपको भी? मुझे भी नहीं पता था, तो जस्ट आपका देखा कि आप सब गुड मॉर्निंग गुड नाइट डाल रहे हैं, तो मैं बोली शायद आप एक्टिव पर्सन रहेंगे, इसके लिए मैं बोली चलो आपसे बात कर लेती हूँ करके। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं वैसे, क्योंकि उसमें कुछ आ नहीं रहा है कहाँ से, क्योंकि ये सब लव माई इंडिया पूरे ऑल ओवर इंडिया से सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो आप कहाँ से है सर? मैं एमपी छिंदवाड़ा से हूँ, छिंदवाड़ा। हाँ सर, एमपी जिंदवाड़ा, जिंदवाड़ा, ओके ओके, अरे वाह वेरी गुड कि आप एमपी से बात कर रहे करके, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बात करके भी अच्छा लग रहा है। और सर आप वैसे क्या करते हैं? मैं तो ऐसे ही, मैं सिलाई का काम करता हूँ। ओहो, सिलाई का काम, मतलब जेंट्स और लेडीज दोनों का ऐसे कपड़े सिलाते हैं कि क्या है? हाँ, जेंट्स और लेडीज दो। अरे वाह वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं करके। और बाकी आप और क्या करते हैं, मतलब सिर्फ आपका सिलाई का दुकान है, खुद का शॉप है, हाँ, खुद का ही है। खुद का शॉप है, तो आपको कितने बजे से, मतलब रोज आपका चालू रहता होगा, हाँ, डेली। डेली चालू रहता है? ठीक है, तो आपके घर के कपड़े तो मुफ्त में सिलाते सिला के होते होंगे हाँ, घर के कपड़े तो खुद ही सिलते हैं। आपकी वाइफ सबसे खुश होती होंगी कि चलो वह मुझे मुफ्त में हर एक अलग अलग डिजाइन से कपड़े मिल रहे करके ठीक है। अच्छा गणपत जी, एक
एक मुझे आपसे बात करनी थी कि क्या बोल रही हूँ, अभी आप जो एमपी में है, मुझे भी फिलहाल मैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ में एमपी आने का मेरा प्रोग्राम है, तो आपसे मिल सकती हूँ मैं? हाँ मिल सकते हैं मैडम। मिल सकती, क्योंकि मुझे भी अलग अलग आपके जो डिजाइन्स वगैरह है, तो इस हिसाब से ड्रेसेस की वगैरह ब्लाउज की, वो देखने में मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे आपसे बात भी करना है, तो मेरा ये नंबर है, तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए और मैं आपका नंबर सेव करूंगी। मैं नेक्स्ट मंथ में आने वाली हूँ, तो इससे पहले मैं आपसे हमेशा, तो अभी हम लोग कॉन्टेक्ट में रहेंगे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट वगैरह करेंगे पर्सनल पे, और प्लस मैं आपको आके मिल लूंगी, ठीक है? ओके मैम, हाँ ओके, आप मेरा नंबर सेव कर, मैं भी आपका नंबर सेव कर दूंगी। ओके ओके गणपत जी, थैंक जी मैडम, यू, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, ओके क्या बात, ओके, चलो बहुत बाय, सुंदर वैशाली मैम, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सुना आप लोगों ने किस तरीके से मैम ने थैंक उनसे यू बात सर। की, और देखिए सबसे अच्छी बात क्या, थोड़ा सा रिलेट करना चाहिए, थोड़ी सी इधर उधर की एक दो बात कर सकते हो आप उनके प्रोफेशन से रिलेटेड, मतलब इधर उधर की का मतलब ये नहीं है कि इधर उधर की करने लगो, यानी उनके काम से संबंधित आप बात करोगे तुमको अच्छा लगेगा। जैसे कि मैम ने कॉल किया, मैम ने बोला, थोड़ा सा हंसी मजाक के मूड में बोला, जो बोला उनके वर्क से रिलेटेड तो उनको भी अच्छा लगा। इससे क्या, थोड़ा सा लोग फ्रेंडली होते हैं, और जितने फ्रेंडली होंगे उतना ज़्यादा रिलेशन अच्छा बिल्ड होगा। तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया किया मैम आपने। तो गणपत वीके, थैंक चलो यू जी, यस यस, गणपत वीके अभी कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे, गणपत वीके जयेश कुमार को कॉल करो, जी चलो कॉल करके बता। देखिए हेलो, आज मैंने आपको बता दिया व्हाट्सएप ग्रुप से कॉल कैसे करते हैं, अब आप सब लोगों के मोबाइल में खूब सारे व्हाट्सएप ग्रुप भरे हुए हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट नहीं करना है, अब वहां से सारे नंबर नोट करने हैं, और इसी तरीके से डेली सबसे बात करनी है, 5 लोगों को डेली बात करो, 1 महीने में 150 लोगों को बात हो जाएगी। आप सोचो कब जिंदगी में लिस्ट की प्रॉब्लम आएगी नहीं। और ये व्हाट्सएप ग्रुप में से कॉल करने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से लोग आते हैं, ये एक ग्रुप एक जगह के नहीं होते, कोई मुंबई से है तो कोई दिल्ली से है तो कोई गुजरात से है, कोई कहीं से होगा, इस तरीके से आपका क्या बिजनेस अलग अलग जगह पे फैलने का स्टार्ट हो जाता है, तो इनका बेनिफिट लीजिए। चलिए अभी सबसे पहले गणपत हुई कि आप जयेश को कॉल करो, इसके बाद में अंजलि मैम कॉल करेंगी पारुल जी मैडम सर, को। हेलो यस गणपत भाई, हेलो जयेश भाई किधर हैं, हेलो, जयेश अनम्यूट करो, जयेश हेलो, हाँ हाँ हेलो, क्या आप जयेश भाई? हाँ जी, हाँ जी, मैं गणपत उइके बोल रहा हूँ, एमपी छिंदवाड़ा से। आप कहाँ से हो? हाँ बोलिए गणपत जी, बोलिए, आप कहाँ से? कैसे हो? मैं ठीक है, आप कहाँ से हो सर? लुनावाड़ा गुजरात से हूँ। अच्छा, सर मेरे को आपका नंबर एक मेजर ग्रुप से मिला था, तो ये इस मेजर ग्रुप के बारे में आपको पता है क्या सर, ये किस लिए बनाया है? इस ग्रुप में, ग्रुप के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन आपने कहाँ से मिला है वो? वो मेरे को व्हाट्सएप से मिला है, व्हाट्सएप ग्रुप मिला है मेरे को, तो उस ग्रुप में आपका नंबर देखा मैंने, तो आपको कॉल लगाया सर मैं। राइट राइट, तो बोलिए ना। हाँ सर, करते हो आप? हाँ जी, आप क्या करते हो अभी? हाँ, वो अभी तो जॉब चल रहे हो अच्छा और जॉब, दूसरा भी काम चल रहा है अभी। अच्छा, तो सर मैं अब गुजरात से हो, तो मैंने ये नंबर देखा है, कॉल किया हूँ कि आपसे थोड़ी फ्रेंड किया जाए और हम थोड़ा ऐसे बात करते रहे नए नए पर्सन लोगों से, इसलिए मैंने कॉल किया हूँ, तो आप मेरा नंबर सेव कर अरे ऐसे लीजिएगा। ही, और कोई काम है दूसरा मेरे लिए? ऐसे ही हाँ सर, काम आप किया है, कॉल किया है? ने सर आपके लिए काम है ना सर?
मैंने एक अच्छा काम स्टार्ट किया हूँ। हाँ बोलिए ना, तो कौन सा कभी काम है? हाँ, मैं कभी गुजरात तरफ आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा मिलके सर। लेकिन अभी थोड़ा सा बता नहीं सकते? नहीं सर, अभी तो फोन पे इम्पॉसिबल है, फोन पे नहीं बता सकते। नहीं बताया। ओके ओके, तो कब आने वाले हैं? सर मैं हो सकता है 4-6 दिन में आऊंगा। अच्छा, ओके ओके, कॉल कीजिए मुझे ये नंबर पे। हाँ जी सर, तो आपका नंबर मैं सेव तो है मेरे पास, ग्रुप में है, हाँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। नंबर सेव कर, ऐड कीजिए और मुझे कॉल कीजिए जब आने वाले हो तब। जी, बहुत सुंदर, आप बहुत मेरा बढ़िया, नंबर सेव गणपत कर हुई के, दीजिए। वेरी वेरी गुड गुड, मॉर्निंग बहुत सुंदर, गणपत हुई के, बहुत अच्छा जी। किया, ग्रेट, बहुत शानदार। चलिए अभी अंजलि मैम किधर है? अंजलि मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो, हेलो, नमस्कार सर जी। यस मैम, नमस्कार मैम, आप जयेश जी को कॉल करिए। ओके ओके, हेलो जी हेलो हेलो, जयेश जी, हाँ जी, जयेश जी बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए बोलिए, कैसे हो मैडम? हाँ, मैं अच्छी हूँ सर। मैंने अच्छा व्हाट्सएप में आपको ग्रुप में देखा था नंबर, हाँ आपका ड्रेस हाँ सेंस बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। प्रोफाइल में स्टेटस डालते हैं तो बहुत मस्त रहते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, तो हाँ मैंने कहा आज आपको कॉल करती हूँ। बराबर बराबर, और आप राइट कहाँ राइट, से हैं? बस लुनाड़ा गुजरात से हूँ। ओके ओके, वेरी गुड। क्या करते हैं? बस जॉब भी चल रही है स्कूल, और दूसरा भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या अच्छा जी, है मेरे लिए कोई नहीं काम नहीं, पहले तो मैंने सोचा दूसरा कोई आपसे काम है? बात करूं। अभी लूनावाड़ा, मैं लूनावाड़ा के आसपास ही रहती हूँ, हालांकि हाँ जी ज्यादा दूरी पे नहीं हूँ, पर मौका मिलेगा तो आपसे बात करती हूँ, हाँ, आपकी फैमिली से मिलती हूँ राइट, ओके ओके। कब और फिर जो भी होगा आने वाले? अच्छा कभी भी अपन हनुमान जी के लिए वहां दर्शन करने जाती हूँ मैं ज्यादातर, तो हो सकता है कभी कॉल करके आ सकती हूँ राइट, आपकी फैमिली के लिए। ओके, तो जब आने वाला तब कॉल कीजिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सर, वैसे फोन किया आपको, आपसे बात हुई तो अच्छा लगा ओके जी। थैंक यू, हाँ, राइट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेरी ओके ग्रेट, वेलकम। बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया किया आपने। बस इसी तरीके से नंबर ले लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए इनका। बोले आप नंबर नोट कर लीजिए, आपसे बात होती रहेगी, और कभी मेरा उधर आना होगा तो आपसे मुलाकात करेंगे, आपके फैमिली से भी मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हो गया सिंपल। तो चलिए, आज आप लोगों ने सीखा कि व्हाट्सएप ग्रुप से लिस्ट कैसे बनाते हैं। अभी असाइनमेंट सुन लीजिए आप लोग, कल कम से कम 5-5 लोगों से कॉल करके आना है व्हाट्सएप से, और कल हम लोग थोड़ा बहुत लिस्ट को देखेंगे, कुछ और जो चीज़ें छूट गई उन्हें कंप्लीट करेंगे। बाकी कल से हमारा लिस्ट का तीसरा पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, इनविटेशन विद आइडेंटिफिकेशन। अब आपकी लिस्ट तो बन गई है, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अब आपको कभी लिस्ट की कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? अभी किसी को लग रहा है लिस्ट की प्रॉब्लम आएगी जिंदगी में कभी भी? हाँ, कामचोर लोगों को तो आएगी, जो काम नहीं करेंगे उनको पक्का आएगी। जो लोग काम करने में मतलब पीछे नहीं रहेंगे, जो काम करेंगे उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो काम नहीं करेंगे उनको तो प्रॉब्लम आ सकती है, राइट ना? तो चलिए कल और थोड़ा बहुत देखेंगे, कोई पॉइंट छूट गया होगा तो लिस्ट के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद कल से हम आगे बढ़ेंगे इस लिस्ट के ऊपर करना क्या है। और कल हमारा स्टार्ट होगा लिस्ट का थर्ड पॉइंट, सॉरी सिस्टम का थर्ड पॉइंट। तो चलिए, अब मुलाकात होगी आप लोगों से कल। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जाते जाते मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजा था, वीडियो देखा क्या आप लोगों ने? आप लोगों ने वीडियो देखा नहीं देखा?
नहीं देखा तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, जाते जाते एक वीडियो देख के जाओ। और मैंने आज ही बनाया था, थोड़ी देर पहले ही, वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो देखो। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में जो भी लोग हैं उनको ये वीडियो भेज सकते हो आप। ये मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद में फिर हम लोग चलेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं अभी। ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन, अगर ट्रेडिंग एज डेवलप करना है तो उसमें कोई वीडियो के या कुछ बुक्स पढ़ के हम स्किल डेवलप नहीं कर सकते, हमें विजडम की जरूरत होती है और उसमें यह टाइम कंज्यूमिंग, यानी आपके अनुभव के बलबूते पे आपको विजडम आता जाएगा। जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ोगे विजडम बढ़ता जाएगा और स्किल भी शार्पन होता जाएगा, और ये स्किल अगर आपके पास, क्या आपको पता है इंसान की कामयाबी में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, सबसे बड़ा बाधक क्या है? यदि नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, मैंने आप सब लोगों को वीडियो भेजा हुआ है, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए और आपके लोगों के लिए। बाकी आप सब लोगों से मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड नाइट।